I don't know, yeah. It's all just gone. What are you planning to do about this? Just sit here and relax? What? You think I'm sitting here and relaxing? Huh? You think I'm... I went up to everyone! I talked to every being in this company! All the head honchos, everyone! That head of Asia Pacific, right in Hong Kong! And all they... They are just really sorry. They are very sorry. Aren't you? Huh? Aren't you? Chaitanya, are you trying to say this is my fault? Chaitanya, I had warned you about this. Don't you say I didn't. Oh, yes. Oh, how could I forget? How could I forget you had warned me? How could I forget? You are the one who has foresight. I do not look into the future. You had warned me. Huh? You have oh my God, you do not just have the foresight. Shut up! यार कर्ज में डूबा हुआ नौकरी कर रहा हूँ चेतन आई एम सीइंग समवन व्हाट आई थिंक वी शुड गो आवर सेपरेट वेज नाउ लिसन यू कांट डू दिस आई एम डूइंग दिस चेतन्य लुक आफ्टर योरसेल्फ ओके हेलो भाई साहब मैं बहुत देर से वहाँ से आपको देख रहा हूँ मैं आपको पहचानता तो नहीं लेकिन आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ क्या मदद करेंगे आप मेरी सर तक कर्ज में डूबा हुआ हूँ क्या मदद करेंगे बताइए कर्ज का मसला है तो अरे कितना अच्छा बढ़िया चैनल होगा ब्लूमबर्ग यू टी वी हम अपने घर में देखते हैं कर्ज के बारे में कितना अच्छी तरीके से बताते हो अगर आप कर्ज की अदायगी नहीं कर पा रहे हो कर्ज नहीं भर पा रहे हो इतनी अच्छी सलाह देते हो आप एक बार ट्राई करके देखें प्लीज़ जी, जी आपको सलाह देते हैं शुक्रिया सॉरी मैं थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया आपका खाना खाया चलें हम खाना खाएंगे चलिए आइए आप बस ट्राई कीजिए ब्लूमबर्ग यूट्यूब में फोन कीजिए आप देखें आपके आपको फोन करने से आपका काम होता है As we've been telling you that this has been a really unique case for the entire Dare to Life team. In fact, in the next couple of minutes, in the next couple of scenes, we will tell you how we decided to approach the whole problem. Once again, we are here with Mr. Verma. Try and see if something can be done. Sir, again, आपके पास आ गए हैं problem लेकर के. लेकिन इस बार तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि literally कहाँ से शुरू करूँ. The way he has handled his own personal finance, ये तो कुछ background में कुछ है क्या ये इतना बड़ा risk क्यों लिया? 2003 में इन्होंने खुद की कंपनी एक शुरू करी व्हिच ही क्लेम्स वाज रनिंग क्वाइट सक्सेसफुली एंड क्वाइट फाइन फिर उन्होंने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ एक डील करी
where this MNC was supposed to come up and set up shop here in India on this whole retail finance, consumer finance, sab cheez ko lekar ke. But the last moment, this MNC backed out. And that we know it did. I mean, that's a market reality fact. मतलब नाम आपको पता ही होगा. तभी ये जो डाउनटर्न हुई इकोनॉमी में उसके दौरान ये सब हुआ होगा. कुछ उनके इंडिया प्लान्स चेंज हो गए. आई मीन वी कांट टेक द नेम राइट हियर. आई मीन फॉर ऑब्वियस रीजंस. एंड ही डिड नॉट गेट अ सिंगल पेनी बैक ऑन दिस एंटायर इन्वेस्टमेंट. हमने जैसा कि आपको बताया कि जब इनको एक नया बड़े क्लाइंट के साथ काम करने का मौका मिला तो उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट्स करे अपने बिजनेस में. द टोटल एक्सपेंडिचर वाज एज मच एज 40 लाख रुपीज. तो सवाल है कि ये पैसा कहाँ से आया, कितना उस डेट से आया जो अभी हम अपने सामने ये फिगर्स में देख रहे हैं. आउट ऑफ द 40 लाख्स, व्हाट चैतन्य टोल्ड अस वाज दैट 20 लाख्स एक्चुअली केम फ्रॉम सर्टेन बिजनेस प्रॉफिट्स दैट ही हैड मेड ओवर द इयर्स. वो सब उन्होंने री इन्वेस्ट करा टू ट्राई एंड गेट द इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस टू सर्विस दिस न्यू बिग क्लाइंट. बाकी बचे करीब 18-20 लाख. चैतन्य का कहना है कि उन्होंने करीब 14 से 15 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन के थ्रू इकट्ठे करे. इनफैक्ट मच ऑफ दिस वॉज ऑन क्रेडिट कार्ड्स. एज वी कैन सी दैट ह्यूज फिगर व्हिच इज 8 लाख्स हियर राइट नाउ, एट वन पॉइंट इन टाइम दिस वॉज एज हाई एज 14 लाख रुपीज. बाकी बचे करीब 4-5 लाख. और ये इनकी जो अपनी पर्सनल सेविंग्स थी, इनके घर की जो सेविंग्स थी, इन्होंने वो पैसे भी अपने इस बिजनेस में डाल दिए. एंड दैट्स हाउ ही पुट टुगेदर दिस मैसिव सम ऑफ 40 लाख रुपीज, जिसमें से उनको एक भी पैसा उस क्लाइंट से वापस नहीं मिला. तो अभी जो मैं फिगर्स हमारे सामने हैं, वो जिस कंपनी में है उनको सैलरी तो अच्छी मिल रही है. 60,000 सैलरी है, 25,000 इंसेंटिव्स हैं, तो 85,000 है. बट यू नो दैट इट सीम्स कि उन्होंने इतने ज़्यादा अपनी लाइबिलिटीज खड़ी कर ली हैं कि ये जो 85,000 है पर मंथ, इवन दैट इज ऑल्सो नॉट एडिक्वेट. Well, let's try and quickly understand the debt situation of this person whom we are choosing to call Chaitanya Shetty. पहले तो बात है personal loans की. These are 3 personal loans that he has. तो देखने में तो बात ठीक लगती है. 3 personal loan manageable लगते हैं. First loan is basically a loan that he has taken for a car. He owns a car of the market price of which would be around 10 lakh rupees right now. इनका outstanding amount इस loan पे है 2,75,000 rupees. इसका EMI देते हैं 13,000 rupees a month. दूसरा जो लोन है ओवरड्राफ्ट लोन है, उसके ऊपर खाली ये इंटरेस्ट हर महीने पे करते हैं, उतना ही सर्विस करते हैं. द अमाउंट ऑफ दिस लोन इज 3,50,000 द आउटस्टैंडिंग अमाउंट. हर महीने 5,500 रुपए का EMI बनता है. तीसरा पर्सनल लोन जो है बेसिकली इट्स अ लोन अगेंस्ट अ क्रेडिट कार्ड. रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी काफ़ी हाई है. ये सारे अगर हम लोन्स देखें तो करीब करीब 20% के रीजन में ये पर्सनल लोन्स इनके आ रहे हैं. Here the outstanding amount is less, it's already come down quite a bit to just about 20,000 rupees. The EMI per month is 4,700. तो अगर simple EMIs देखें हम personal loans पे, तो monthly requirement है 23,200 rupees. बात control से बाहर हो जाती है जब आप credit cards को देखें, because here we're talking about not one, not two, not three, but 8 credit cards. और ये भी अब जाके इन्होंने थोड़े कम करे हैं. एक time पे इनके पास करीब 12 credit cards हुआ करते थे. Basically, if you take the total together, all the credit cards and the outstanding amount as we speak, it's over 8 lakh rupees. 8,16,198 rupees. ये है इनका credit card debt और यहाँ से इनकी problem शुरू होती है. Now his payment, we asked him, how are you paying up for the cards? He has a very simple thumb rule. Every month, out of this entire amount, he is paying a 10%. 5% तो minimum pay करना ही होता है if you want to avoid paying penalties. कि 5 से ज़्यादा 10% दे रहे हैं इस टोटल अमाउंट पे. एंड देन द मैथमेटिक्स इज वेरी सिंपल. 10% यू टेक इट. मिनिमम रिक्वायरमेंट एवरी मंथ जस्ट टू कीप दिस होल साइकिल टर्निंग इज 81,000 रुपीज. जितनी उनकी सैलरी. देन देयर इज EMI, पर्सनल लोन EMI, अदर लिविंग एक्सपेंसेस, वो सब तो मतलब इट्स टोटली गोइंग हेयरवायर. कुछ एसेट्स. एसेट्स भी सर इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी. मतलब ये रहते थे पहले अपने मदर के साथ. शादी होने के बाद बेसिकली दे मूव्ड आउट इनटू अ सेपरेट हाउस. जो घर लिया है वो इनके जॉइंट नाम पे है. प्राइमरी ओनर इज वाइफ. ही इज अ सेकेंडरी ओनर. फॉर आवर पर्पस ही डजंट ओन द एसेट. इनफैक्ट अगर आप ये देखें, ये सब सारी जो इन्होंने लाइबिलिटीज खड़ी कर रखी हैं, उस समय शायद घर में दो इनकम भी हुआ करते. वाइफ इज स्टिल वर्किंग एंड अर्निंग. लेकिन हमें लगता है सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई. पर्सनल एंड फाइनेंशियल बोथ. आई थिंक वी विल हैव टू वर्क आउट सॉल्यूशन लुकिंग इनटू बोथ. सो एज अगेंस्ट एन इनकम ऑफ 85,000 पर मंथ ही हैज टू स्पेंड 131,350. एक शॉर्टफॉल है 46,350. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको टैकल करना पड़ेगा. इसको इस वजह से टैकल करना पड़ेगा क्योंकि एक तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है
और दूसरा इस पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा आ रहा है. So either he has to renegotiate EMIs. As I said, yes. Yeah. और नहीं तो एक नया source of income, loan या कहीं से income आए, कहीं से lump sum मिले, so that he can wipe off the dues on the credit card. Dues on the credit card. बेसिकली चैतन्य की प्रॉब्लम थी उनका क्रेडिट कार्ड डेट. हमने पर्सनल लोन्स को तो टच नहीं किया. बात आई क्रेडिट कार्ड्स पे, व्हाट टू डू विद द सम ऑफ ओवर 8 लाख रुपीस. तो अगेन द सॉल्यूशन एज वी सेड क्वाइट सिंपल. हमने उनको एडवाइस करा कि वो जो ये तीन क्रेडिट कार्ड्स हैं जो एक ही बैंक से इशू करे गए हैं, जिसमें कोई डिफॉल्ट भी नहीं हुआ है, उस बैंक से बात करें और उसको कन्वर्ट करें पर्सनल लोन में. नो पॉइंट पेइंग वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द बैंक इज अ लिटिल सपोर्टिव. तो ये अमाउंट ये एक पर्सनल लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका जो ईएमआई बन के आएगा उसको सर्विस करना इनके लिए आसान हो जाएगा, ताकि मंथली शॉर्टफॉल ना आए इनकम में और खर्चों में. सो दैट वॉज द फर्स्ट एडवाइस टू हिम. नाउ वी लुक एट द अदर अमाउंट विच इज अबाउट 4,56,000. यहाँ एडवाइस है कि एक नया पर्सनल लोन लिया जाए, जिससे कि एक सिंगल शॉट में ये सारे क्रेडिट कार्ड्स बंद कर सकें. और इसका भी ईएमआई अगर आप 17% मार्केट रेट लेके चले इंटरेस्ट का, तो अराउंड 13,000 इसका ईएमआई बन जाएगा. कहाँ तो चैतन्य हमें बता रहे थे कि वो एक मिनिमम 10% पेमेंट कर रहे थे और खाली 10% में उनके 80,000 रुपीज हर महीने जा रहे थे ऑन सो मेनी क्रेडिट कार्ड्स. और आज खाली उनको करीब 23,000 पे करना है और वो सारा पेमेंट क्रेडिट कार्ड्स का एकदम स्ट्रीमलाइन हो चुका है. चैतन्य के केस में सॉल्यूशन काफी सिंपल था, एटलीस्ट द फाइनेंशियल सॉल्यूशन दैट इज. एंड इनफैक्ट वी वर वंडरिंग हाउ कम ही डिडंट थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स हिमसेल्फ, कंसीडरिंग दैट ही वाज अ फाइनेंस प्रोफेशनल. वो तो खुद ही लोन्स और मॉर्गेजेस के बारे में काफी कुछ जानते थे. तो शायद हो सकता है कि पर्सनल जो उनकी लाइफ में चल रहा था उससे वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे दैट ही वाज नॉट एडिंग अप थिंग्स टुगेदर एंड ही वाजंट कीपिंग प्रॉपर पर्सपेक्टिव. Well, this is precisely the reason why we have devoted so much of time to explain the personal side of the story to you, which is what we usually do not do in most debt-to-life cases. How have you been? I've been good. You tell me. You know, jab bhi main tumhare baare mein sochti hu, I always get a little worried. Think about me, huh? Chaitanya. We've been married forever. Why would I not think of you? Listen, then why don't you come back? Chaitanya, you know that's not an option anymore, yeah? You keep asking me this question and main na bol deti hu. My bad. I'm sorry I brought it up. Forget about it. So, anyway, tell me तुम्हारे डेट्स का क्या हुआ? लास्ट टाइम वी स्पोक यू सीम्ड फेयरली क्लूलेस अबाउट इट. नहीं नहीं, डेट्स आर फाइन नाउ, अभी ठीक है. रियली, यू पेड देम ऑफ? वो नहीं, आप पागल हो गया? आई मीन कांट पे देम ऑफ इतनी जल्दी, बट यू नो आई एम वर्किंग ऑन इट. यू नॉट बिलीव व्हाट हैपेंड. यार, आई मेट दिस गाय, आई डू नॉट नो हिम. No one knows him in my entire khandan, yaar. He doesn't know me. मैं कभी उसको मिला नहीं हूँ और उसने मुझे राह दिखाई. चैतन्य, तुम क्या कह रहे हो मुझे फिर से समझ में नहीं आ रहा. You know, I'll explain it to you. See what happened. One day I'm sitting at work और थोड़ा देर तक बैठा था. I was working on those calculations, paperwork and stuff. I got out of the office. उधर वो कोने में ऐसी सी एक बेंच थी. I went there and I was sitting there. और I don't know, from nowhere, there's this guy who just comes up. Or, you know, bada sidha sadha sa aadmi tha. Oh God, Chaitanya. Just be careful, Baba. Oh, no, no, no. Listen to this, no. So, he comes up. Aur usne mujhe Bloomberg UTV ke baare mein bataya. This show on this channel called Debt to Life. You know, and he told me that I should approach them and how he had seen stories of people who are in debt aur wo kaise usse bahar aa rahe hain and how they coping up with it and stuff and all. and
apparently someone's situation was worse than me. Dead to Life, I've heard of that show. Unka presenter, the life guru, right, is fantastic. So did you go to them? Yes, of course.